हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। नमस्कार साथियों, BSFRO RM की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे गणित और गणित का टॉपिक अपना सारणिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सारणिक का मतलब क्या होता है? तो किसी संख्यात्मक या बीज या व्यंजक को वर्गाकार आकृति में व्यक्त करना, यानी वर्गाकार के अंदर उसको लिखते हैं ना, उन संख्यात्मक या बीज के व्यंजकों को, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सारणिक। जैसे अपने पास में ये एक व्यंजक है a1b2 - a2b1, तो इसको वर्गाकार आकृति में इस टाइप से लिखेंगे a1a2b1b2। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक सारणिक बन गया। इसमें देखो दो ही तो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ कितनी हैं? दो, R1 और R2, और ये दो इसमें क्या है? स्तंभ। तो ये द्वितीय कोटि का क्या बन गया? सारणिक। तो सारणिक में कोई भी संख्यात्मक या बीजीय व्यंजक को वर्गाकार आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं ना उनको, तब वो क्या बन जाती है? एक सारणिक बन जाती है। सारणिक में पंक्ति को R से लिखते हैं और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, यानी पंक्तियाँ दो है तो स्तंभ भी दो होंगे, पंक्तियाँ तीन है तो स्तंभ भी क्या होंगे? तीन होंगे। पंक्ति को R से लिखेंगे यानी रो, और स्तंभ का मतलब कॉलम हो गया, तो इनकी दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है सारणिक में। तृतीय कोटि का सारणिक यानी तृतीय कोटि का मतलब तीन ही पंक्ति होनी चाहिए और तीन ही क्या होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। तो ये तीन पंक्तियों की क्या हो गई? एक सारणिक। जैसे पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति क्या है? R3। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, और ये क्या है? तीसरी। ऐसे ही तीन इसमें स्तंभ है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो ये तृतीय कोटि का हो गया सारणिक। अब कुछ प्रकार देख लेते हैं अपन सारणिक के। एक दो एक प्रकार है अपना इसमें त्रिभुजाकार सारणिक। तो त्रिभुजाकार सारणिक का मतलब क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के, जैसे ये 0 0 हो गया, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी अवयव होते हैं वो अगर 0 0 हो तो वो क्या कहलाती है? त्रिभुजाकार सारणी। ऊपर वाले या फिर नीचे वाले दोनों में से कोई, ऊपर वाले अवयव 0 हो या फिर नीचे वाले अगर अवयव 0 हैं तो वो क्या कहलाएगी? एक त्रिभुजाकार सारणिक। जैसे यहाँ पे मुख्य विकिरण क्या है? मुख्य विकिरण ACF है, मुख्य विकिरण है ACF। तो मुख्य विकिरण ACF के संगत अपन देखें तो ऊपर वाले सारे मान यहाँ पे क्या हैं? 0 0 हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक त्रिभुजाकार सारणिक बन गया। उसके बाद में विकर्ण सारणिक। विकर्ण सारणिक का मतलब क्या होता है? यदि विकर्ण को छोड़कर के सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण सारणिक। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में एग्जांपल देकर के कि निम्न में से विकर्ण सारणिक है, तो विकर्ण का मतलब क्या होगा? सिर्फ उसमें विकर्ण वाले वही अवयव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है? तो वह एक विकर्ण सारणिक हो गया। त्रिभुजाकार सारणिक का मतलब ऊपर के जो अवयव हैं विकर्ण से, जैसे ये अपना एक विकर्ण हो गया, ये विकर्ण है जैसे, तो यहाँ पे ABC हैं, तो ये अगर 0 0 हैं तो ये क्या कहलाएगी? ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो जाएगी। अगर नीचे वाले 0 0 हैं तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन? निम्न त्रिभुजाकार सारणिक बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया अपना सारणिक, और सारणिक के एक दो टाइप हो गए। अब सारणिक का मान कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो सारणिक का मान निकालना अपन ने, अगर दो द्वितीय कोटि की सारणिक दे रखी है तो उसकी तो परिभाषा से भी अपन ने देखी है कि इनका वज्र गुणा कर लेंगे। ए का डी से कर लेंगे तो AD आ जाएगा, -B का C से कर लेंगे तो आ जाएगा BC। तो दो द्वितीय कोटि का अगर सारणिक दे रखा है तब तो उनका वज्र गुणा करने पर सारणिक का मान निकल जाएगा। जैसे तीन का गुणा किससे करना है? यहाँ पे 4 से कर लेंगे तो 12 हो गया। फिर माइनस किसके करना है? 2 का 1 से कर लेंगे तो आ जाएगा 2 × 1, तो 12 - 2, यानी कितना आ गया सारणिक का मान? 10 आ गया। लेकिन यही सारणिक अपने को तृतीय कोटि का सारणिक दे रखा है तब कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है अपने को कि इसमें जो इनके चिन्ह हैं, जैसे ये प्लस का आएगा, उसके बाद में ये माइनस, ये प्लस, तो अल्टरनेट चलते रहेंगे प्लस माइनस प्लस। दूसरे में अब यहाँ से अगर मान निकालना चाहें अपन, दूसरी पंक्ति से मान निकालना चाहें, इसमें भी अल्टरनेट चलेंगे। इसमें किससे शुरू होगा? माइनस से होगा, ये प्लस होगा, फिर ये क्या होगा? माइनस। तीसरे वाले से शुरू करें तो वो प्लस माइनस प्लस, यानी इनके साइन क्या चलते हैं? अल्टरनेट चलते हैं। तो अपन पहले पंक्ति से इनके मान निकालना सीखते हैं सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे कितना है? पहले में 2 है, तो 2 तो आएगा यहाँ पे, सबसे पहले 2 आ गया। अब 2 को ये वाले छूट जाएंगे सारे, ये बच गया अपना, तो 1 का गुणा किससे कर लेंगे? 3 से, और 5 का गुणा किससे कर लेंगे? 2 से। तो ये आ जाएगा 3 × 1 - 5 × 2, ठीक है? उसके बाद में दूसरा जो अपना है
क्या लेंगे, तीन लेंगे, और तीन लेंगे किसका, माइनस का, क्योंकि अल्टरनेट चेंज लेंगे प्लस का आएगा, उसके बाद में माइनस का, और फिर क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो ये माइनस का तीन हो गया। इस तीन के लिए ये वाले जो अभी हैं ये छूट जाएंगे सारे। अब चार का गुणा किससे अगर लेंगे, तीन से अगर लेंगे, तो चार गुणा तीन माइनस जीरो गुणा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला जो पद अपना वो क्या है, आगे वाला अभी है एक, यहाँ पे तो एक आ जाएगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि अल्टरनेट से लेंगे, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये फिर क्या आएगा, प्लस का, तो एक आ गया। अब एक के लिए ये वाले अभी जो हैं वो छूट जाएंगे, एक के लिए ये वाले अब ये छूटेंगे, ये वाला ये छूट जाएगा। अब चार का गुणा किससे कर लेंगे, पाँच से कर लेंगे, तो चार गुणा पाँच माइनस जीरो का गुणा किससे कर लेंगे, एक से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अपना तीन गुणा एक तीन, पाँच गुणा दो दस हो गया, फिर चार गुणा तीन बारह हो गया, जीरो गुणा दो जीरो हो गया, फिर बीस हो गया, और इधर कितना हो गया, जीरो। तो इनको सभी का गुणा करके कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आ जाएगा माइनस के तो पचास हो जाएंगे और प्लस के बीस, तो ये कितना आ जाएगा अपना, माइनस का तीस आएगा। तो इस टाइप से अपन द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के सारणिकों का मान निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में यही रखना है, इसमें ध्यान में मैंने क्या रखना है कि ये प्लस का है, ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा, प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये फिर माइनस, फिर माइनस के बाद में प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी चिन्ह जो हैं वो अल्टरनेट चलेंगे। अगर पहली पंक्ति से निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस आएगा, द्वितीय पंक्ति से निकाल रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तीसरे से निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस आएगा, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे एक और मान निकाल रहे हैं अपन, तृतीय कोटि का सारणिक दे रखा है, तो अपने को पहचान अगर हो जाती है कि ये त्रिभुजाकार सारणिक है, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जो अव्यय हैं वो सारे जीरो हो, तो एक त्रिभुजाकार सारणिक होती है। और त्रिभुजाकार सारणिक में जब भी मान निकालना हो तो अपने को क्या करना है, विकर्णों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो विकर्ण क्या, यहाँ पे दो गुणा एक गुणा तीन, तो कितना आ जाएगा सारणिक का मान, छः आ जाएगा। और इस टाइप से निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा। अपने को अगर पता चल जाए कि त्रिभुजाकार सारणिक है तो अपन सीधा ही विकर्णों का गुणा कर लेंगे और उससे उसका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। आगे वाला एक, आगे अपने को ये सारणिक दे रखी है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये सारणिक दे रखी है, अब मान निकालना अपने सीख ही लिया कि जैसे ये पहला पद लेंगे, ये वाला पहला अवयव ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो ए के लिए ये वाले अवयव तो छूट जाएंगे सारे, ठीक है। इनका गुणा हो जाएगा, बी का गुणा सी सी होगा तो बी सी आ जाएगा, माइनस ए का ए सी होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ गया बी सी माइनस ए स्क्वायर। अब ये प्लस का होता है पहले वाले का, दूसरा अभी माइनस का, तीसरा क्या लेते हैं, प्लस का, अल्टरनेट चलते हैं। तो ये जो बी आएगा यहाँ से, ये किसका आएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा। अब इनके लिए, बी के लिए अपन क्या किन से गुणा करेंगे, देखो ये बी है तो बी के लिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म छूट जाएंगी, गुणा किससे होगा, बी का बी सी होगा तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए का सी सी होगा तो ये आ जाएगा ए सी आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा जो है वो सी ले लेंगे अपन, आगे वाला सी आ जाएगा तो सी के लिए क्या छूटेगा, सी के लिए ये वाली टर्म छूट जाएंगी और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ए का बी से करेंगे तो ए बी माइनस में सी का सी से करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर, ठीक है। अब इनको सरल कर लेंगे तो ये ए बी सी बना, यहाँ से ये भी क्या बनेगा, ये वाला इसके साथ गुणा होगा तो ए बी सी बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए बी सी, तो ए बी सी कितने हो गए, तीन ए बी सी हो गए। अब ए का ए स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस ए की घात तीन होगी, माइनस बी का प्लस बी स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस बी की घात तीन होगी, सी का माइनस सी स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस सी की घात तीन होगी। तो ये इस टाइप से अपन मान निकाल सकते हैं सारणिक का। अब कुछ विशिष्ट सारणिक हैं जिनके मान आपको सीधे याद रखने हैं, ठीक है, इनको निकालेंगे तो इनमें टाइम लगता है, और इनमें से एग्जाम में भी सीधा क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है, या फिर अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं यानी सारणिक का मान निकाल रहे हैं तो बीच में भी इनका यूज हो सकता है। तो ये जो सारणिक हैं इनको आप डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखोगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो देखते ही आप टिक कर सको, तो अच्छे से इनको ध्यान में रख लेना, ठीक है। या फिर एक बार इनके सारणिकों के मान निकाल के भी देख लेना, इस मेथड से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपना है कि ये सारणिक हैं एक, फिर ए और फिर एक स्क्वायर हो गया, फिर एक बी और फिर बी स्क्वायर हो गया, फिर एक और सी स्क्वायर हो गया। तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा सारणिक का, ए माइनस बी गुणा बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए, ठीक है। दूसरा अपना सारणिक अगर इस टाइप से दे रखा है, एक है उसके बाद में ए और फिर क्या है बी सी, एक है बी और फिर क्या है ए सी, एक है सी और फिर क्या है ए बी, तो भी सारणिक का मान यही आएगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अगर अपने को इस टाइप से दे रखा है सारणिक, एक बी प्लस सी और बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, एक सी प्लस ए और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक ए प्लस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दे रखा है, तब भी मान क्या आएगा सारणिक का, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये जो तीनों सारणिक हैं
इन तीनों सारणिकों का मान क्या आना है, यही आना है a माइनस बी गुणा बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए। तो इन सारणिकों का जो मान है आपको एक फॉर्मूले की तरह याद रखना है, निकाल के देखोगे तो हो भी जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप निकाल लो उनको, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इनको ध्यान में रख लेना, एक बार निकाल के भी इनके मान देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला अपना सारणिक है, एक आ गया, उसके बाद में ए आ गया, फिर ए की घात तीन, फिर एक बी और बी की घात तीन, फिर एक सी और सी की घात तीन है। तो इसका मान क्या आएगा सारणी का, ये वाला आएगा, ऊपर वाले की तरह ही आएगा, बस थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ है कुछ नया कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू में क्या आएगा ए प्लस बी प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है। कब आएगा, जब ये सारणी अपने पास में है, या फिर ये वाला सारणी है कि ए बी सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ए बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी है, तब भी सारणी का मान यही आएगा कि ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। इसी टाइप से एक अगला अपना सारणी और है कि एक है फिर ए स्क्वेयर है फिर ए की घात तीन, फिर एक है फिर बी स्क्वेयर है फिर बी की घात तीन, फिर एक है फिर सी स्क्वेयर है फिर सी की घात तीन है, तब सारणी का मान क्या होगा। तब सारणी का मान ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या होगा सी है, ठीक है। तो ये सारणिक विशिष्ट प्रकार के सारणिक हैं जिनमें से सीधा भी पूछा जा सकता है अपने को इनका मान निकालना, तो करेंगे ना तब एग्जाम इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में, तो आप इनको फॉर्मूले की तरह याद रख लेना, एक बार इनके निकाल के भी देख लेना मान अपने मेथड से, ठीक है, सोल्व करके। अब कुछ विशेष प्रकार के सारणिक हैं, जैसे प्रकार है सारणिक का कि सममित सारणिक किसे कहते हैं और विषम सममित सारणिक किसे कहते हैं। तो सममित सारणिक का मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई हो तब वो क्या हो जाएगा सममित सारणिक। जैसे कि एक तीन जीरो है, ठीक है, तो एक तीन जीरो है यहाँ पे, यानी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दें, लिखा हुआ है जैसे एक तीन जीरो है, ये अपनी क्या है पहली पंक्ति है, अगर इसका स्तंभ देखें तो भी कितना है एक तीन जीरो है, ठीक है, यानी इसमें ए आई जे बराबर क्या हो रहा है जे आई हो रहा है। उसके बाद में अगर तीन एक पाँच, दूसरी पंक्ति अपनी है तीन एक पाँच, तो दूसरा स्तंभ देखें तो भी क्या है तीन एक पाँच है, तीसरी पंक्ति देखें तो क्या है जीरो पाँच चार है, तीसरा स्तंभ भी क्या है जीरो पाँच चार है। तो इस टाइप की अगर सारणिक अपने को मिल गई तो वो कौन सी सारणिक होगी, सममित सारणिक होगी। दूसरा एग्जाम्पल है ए एच जे, यानी पहला अपनी पंक्ति जो है वो है ए एच जे, पहला स्तंभ देखें तो भी क्या है ए एच जे, दूसरी अपनी पंक्ति है एच बी एफ, तो इसका दूसरा स्तंभ भी क्या है एच बी एफ है, तीसरी पंक्ति है अपनी जी एफ सी, ये पंक्ति है जी एफ सी, तीसरा स्तंभ भी क्या है जी एफ सी, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर आ रहे हैं इसमें, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई हो रहा है, तो इसका मतलब वो सारणी कौन सी है सममित सारणी। इसका उल्टा विषम सममित सारणिक होता है, यानी ए आई जे बराबर माइनस में होता है ए जे आई, तब वो क्या होता है विषम सममित सारणिक होता है। जैसे यहाँ पे पहली अपनी पंक्ति है जीरो तीन माइनस एक और स्तंभ क्या आ गया अपना जीरो माइनस तीन एक, यानी माइनस का फर्क है सिर्फ, जीरो तीन माइनस एक था वहाँ पे और यहाँ पे जीरो माइनस तीन एक है, यानी सिर्फ फर्क किसका है माइनस का, संख्याएँ सेम है लेकिन प्लस माइनस का अगर अंतर है तब वो कौन सी सारणिक हो जाएगी विषम सममित सारणिक हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है देख करके कि बताइए कि निम्न में से सममित सारणिक है या विषम सममित सारणिक है। तो सममित और विषम सममित में अंतर इतना सही है कि सममित में तो प्लस सही माइनस कुछ भी हो, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई बराबर होगा, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर किसका आएगा माइनस प्लस का आएगा, तब वो सारणिक हो जाएगी विषम सममित सारणिक, ठीक है। उसके बाद में है सारणिक के कुछ गुणधर्म हैं जो कि आपको याद भी रखने हैं, और ये एग्जाम में भी क्या इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि निम्न में से सत्य कथन है या फिर असत्य कथन है। तो ये आपको कुछ गुणधर्म है सारणी के जो कि सारणी के क्वेश्चन सोल्व करने में काम भी आते हैं और साथ में अपने एग्जाम के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें सत्य और असत्य में दे सकता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला नियम है कि किसी सारणी की पंक्ति और कॉलम को परस्पर बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है, यानी पंक्ति और कॉलम को अगर बदल रहे हैं ना तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। पहला नियम, किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति है अपनी ए बी सी है पहली पंक्ति, ठीक है, ए बी सी, तो ये जो पंक्ति है इसको किस में बदल रखा है यहाँ पे आगे बराबर में स्तंभ के रूप में लिख दिया, यानी ए बी सी पंक्ति थी लेकिन यहाँ पे क्या बन गया ये स्तंभ बन गया। दूसरा, दूसरी अपनी पंक्ति क्या थी पी क्यू आर थी, तो यहाँ पे स्तंभ बन गया पी क्यू आर, यानी अगर पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल दें
या स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदल दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। अब दो तीसरी पंक्ति अपने क्या थी, यू वी डब्लू थी, और यहाँ पे तीसरा स्तंभ क्या बन गया, यू वी डब्लू बन गया, यानी पंक्ति को किस में बदला है, यहाँ पे स्तंभ के रूप में बदला है, तो सारणी का मान भी नहीं बदलेगा। ये नियम अपने को ध्यान में रखना है कि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। एक नंबर नियम हो गया। दूसरा नियम है अपना कि किसी सारणी की दो आसन पंक्तियों, आसन का मतलब होता है पास पास, ठीक है, पास पास की पंक्तियां जो है पंक्ति हो जाए स्तंभ हो, पंक्ति को भी बदल सकते हैं और स्तंभ को भी बदल सकते हैं, तो परस्पर बदलने पर सारणी के मान में केवल चिन्ह बदलता है, यानी बदलेगा क्या, सिर्फ चिन्ह बदलेगा और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आसन पंक्तियों को अगर ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है, जैसे अपनी पहली पंक्ति है ये ए बी सी, या फिर इस स्तंभ की बात करें कि ये पहला स्तंभ है अपना ए पी यू और दूसरा स्तंभ क्या है यहाँ पे बी क्यू वी है, तो पहले स्तंभ की जगह क्या लिख दिया, दूसरा स्तंभ क्या था, बी क्यू था, तो यहाँ पे दूसरा स्तंभ क्या है, यहाँ पे पहले आ गया बी क्यू वी, पहला क्या था ए पी यू था, वो किसकी जगह आ गया, दूसरे की जगह आ गया। तो अगर अपन स्तंभ को, आसन पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल रहे हैं, आसन का मतलब पास पास के, तो यहाँ पे ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, यानी ये सी वन और सी टू था, तो सी टू को सी वन की जगह लिख दिया और सी वन को सी टू की जगह लिख दिया, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, यानी वो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, बाकी मान इनका क्या आएगा, सेम आएगा, सारणिक का मान सेम आएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा इनका, प्लस माइनस में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो अपनी पहली पंक्ति क्या थी ए बी सी, और यहाँ पर पहली पंक्ति क्या है पी क्यू आर है, तो दूसरी पंक्ति क्या थी पी क्यू आर, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति क्या है ए बी सी, यानी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह लिख दिया और दूसरी को पहली की जगह लिख दिया, तो ऐसा लिखने से सारणी का जो मान होगा उसके आगे चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, संख्या वही आएगी लेकिन माइनस में आएगी, ठीक है। तो किसी सारणी की आसन पंक्तियों और आसन स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है, अच्छे से नियम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगले वाला तीन नंबर नियम है अपना कि किसी सारणी की दो पंक्तियां स्तंभ समान होने पर शून्य मान होगा, यानी अगर पंक्तियां दो समान है या दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, जीरो, अपने को निकालना ही नहीं है, अपने आप ही देखते क्या कर देना उसका मान जीरो, यानी अगर दो पंक्तियां बराबर है या दो स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान क्या होगा, जीरो। जैसे यहाँ पे देखें ये पहली पंक्ति ए बी सी और दूसरी पंक्ति भी ए बी सी, मान कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे देखें पहला स्तंभ ए पी यू, दूसरा स्तंभ भी क्या है ए पी यू, मान कितना हो गया, जीरो। तो किसी भी सारणी की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान क्या होगा, जीरो होगा, डायरेक्ट नियम से अपन जीरो लिख सकते हैं उसका, तो ये नियम अच्छे से याद रखने हैं। अगला चार नंबर नियम अपना कि किसी सारणी की किसी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान भी उसी संख्या से क्या हो जाता है, गुणा। यदि किसी पंक्ति को अपन गुणा कर रहे हैं ना किसी भी संख्या से, तो उसी मान को उस सारणी के मान से भी क्या हो जाएगा, उसका गुणा होगा। जैसे यहाँ पे ये सारणी दे रखा था अपने पास में ए बी सी पी क्यू आर जो भी था यू वी डब्ल्यू, इसको गुणा किससे किया, पहली पंक्ति को के से गुणा किया है, तो पूरे सारणी का मान भी किससे गुणा होगा, के से गुणा होगा, यानी बराबर आएगा उसका मान भी। अगर के से गुणा कर रहे हैं ना तो अपना जो मान है सारणी का उसको भी अगर उस के से गुणा कर देंगे तो भी उसका मान क्या आएगा, उस सारणी के मान के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति को के से गुणा किया है, ठीक है, तो उस सारणी का मान भी के से गुणा करेंगे तो वो दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। पंक्ति से गुणा कर दो चाहिए स्तंभ से, जैसे यहाँ पे किससे गुणा किया है, यहाँ पे पहले स्तंभ को के से गुणा किया तो वो भी उसके मान के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो किसी सारणी की किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, तो ये चौथा नियम हो गया। अगला नियम क्या है अपना, अगला नियम ये है कि अगर अपने को जैसे प्लस में दे रखा है, पहली पंक्ति में क्या लिख दिया, ए प्लस एल्फा बी प्लस बीटा सी प्लस गामा लिख दिया, तो इनको अलग अलग सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे पहले में क्या है, यहाँ पे ए है तो ए बी सी, बाकी नीचे वाले क्या आ जाएंगे सेम, बीच में यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा, बाकी नीचे वाले दोनों के दोनों अवयव जो हैं, दोनों पंक्तियाँ जो हैं वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी, तो ऐसा भी इनको लिखा जा सकता है। या फिर अगर स्तंभ के रूप में लिख रखा है इनको, तो स्तंभ के रूप में लिख रखा है तब भी अपने इनको ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्तंभ के रूप में लिख रखा है कि ए प्लस एल्फा पी प्लस बीटा यू प्लस गामा बी क्यू वी सी आर डब्लू, तो यहाँ से ये जो है ए वाली ए पी यू की ये बन जाएगी एक सारणी, प्लस
आगे जो अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा आ गया, आगे वाले स्तंभ दोनों क्या आ जाएंगे इसमें सेम आ जाएंगे, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला अपना क्वेश्चन है कि सारणिक का मान है, ये सारणिक दे रखी है अपने को, एक 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 दे रखा है, फिर ए बी सी, फिर बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी दे रखा है, और ये अपने को मान इसमें पूछ रखा है, ठीक है। तो करना क्या है अपने को इसमें, देखो अगर अपने को इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं, वैसे तो करेंगे तो जैसे अपने सारणी का मान निकालना है तो गुणा वाला वो मेथड ही अपना उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट देखने के लिए आप क्या कर लोगे, या तो दो कॉलम समान बना लोगे या दो पंक्तियां समान बना लोगे अगर उसमें बंद रही हैं तो, ठीक है। कोशिश अपने को समान बनाने की करनी है, जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो अपना सेम ही है कि एक 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 है, दूसरे में यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है सी, इधर क्या है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी है, तो ये जो दूसरा स्तंभ है इसमें अगर अपन तीसरा स्तंभ जोड़ देते हैं, दूसरे स्तंभ में कौन सा स्तंभ जोड़ रहे हैं तीसरा, तो सेम जोड़ते रहेंगे। अब पहला यहाँ पे क्या है ए है, तो यहाँ पे क्या जोड़ लेंगे इसमें बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा यहाँ पे बी है इधर क्या है सी प्लस ए है, तो ये भी क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, तो ये भी क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी टू के अंदर क्या जोड़ दिया अपन ने सी थ्री, यानी दूसरे कॉलम में तीसरा कॉलम जोड़ा है, तीसरा सेम का सेम पड़ा है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक एक ये बच गया, ये एक एक बच गया, इधर भी क्या बच गया जो था बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अब अपने जानते हैं कि अगर किसी भी पंक्ति के किसी भी सारणी के अगर पंक्ति या स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान कितना होता है जीरो होता है, तो इसमें ऑप्शन अपना आ जाएगा चार नंबर, यानी कितना मान आ गया इसका जीरो। तो अपने को क्या करना है, या तो दो पंक्तियों को समान बनाना है या फिर दो स्तंभों को समान बनाना है, कुछ भी इसमें जोड़ के या फिर घटा करके या फिर गुणा करके, ठीक है। तो इस टाइप से अपन सारणी का मान निकाल सकते हैं, या फिर अपना वो मेथड ही निकालने का मान निकालने का, उससे थोड़ा क्या है कि ये बड़ा बन जाएगा और उतना अपना टाइम होता नहीं एग्जाम में करने के लिए, तो अपने कुछ डायरेक्ट करने की सोचेंगे सारणी का मान निकालने के लिए। अगला दो नंबर अपना, अब अपना क्वेश्चन नंबर दो है कि यदि अपने को सारणिक दे रखे और बराबर में के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा और के का मान पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें जो कॉमन आएगा उस कॉमन को देखेंगे, जैसे ये पहला स्तंभ है तो पहले स्तंभ में कॉमन क्या आ रहा है अपना ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए है सभी में तो ए कॉमन आ गया, यहाँ पे ए लिख लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए बच गया, यहाँ पे ए बी था तो बी बच गया, यहाँ पर ए सी था तो क्या बच गया सी। दूसरे स्तंभ में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा फिर माइनस बी और आ जाएगा फिर सी। तीसरे कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है तो ए बी और माइनस में क्या आ गया सी, और बराबर में क्या चल रहा है के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। दोबारा अपन देखें ये पहली पंक्ति है अपनी, इसमें क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ आएगा माइनस एक एक और एक। दूसरे में क्या आ रहा है कॉमन, बी कॉमन आ रहा है तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा इधर वाला और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस एक और एक। तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है, दोबारा सी कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा एक एक और माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अब इसको सरल कर लेते हैं अपन, अब इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था और इधर भी क्या निकल गया अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो इधर क्या बच गया अपना के। के बचने के बाद में इस सारणी का अगर मान निकाल लेंगे अपन, मान निकालना जानते हो आप पहले बता भी दिया है, तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा चार, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल नंबर तीन अपना कि यदि एक्स वाई जेड धनात्मक संख्या है तो सारणिक का मान होगा, ये सारणिक लॉग के रूप में दे रखी है, ठीक है। तो ये एक का एक आ गया यहाँ पे, लॉग वाई बेस एक्स है तो लॉग का मैंने पहले भी करा दिया है टॉपिक, तो आप वहाँ से देख सकते हो लॉग के लिए, यानी लॉग वाई बेस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं लॉग वाई बटा एक्स, लॉग जेड बेस एक्स है तो इसको लॉग जेड बटा एक्स लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस वाई तो लॉग एक्स बटा वाई, एक का एक उसके बाद में लॉग जेड बाई वाई आ जाएगा, यहाँ से लॉग एक्स बटा जेड, यहाँ से लॉग वाई बटा जेड और यहाँ से क्या आ जाएगा एक, तो ये अपना आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में क्या किया यहाँ पे कि लॉग एक्स से यहाँ पे गुणा किया और लॉग एक्स से क्या किया भाग किया, ठीक है, या फिर लॉग एक्स यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने कॉमन ले लिया, ऊपर वाली जो पंक्ति है ये वाली जो इसमें लॉग एक्स क्या ले लिया कॉमन, तो लॉग एक्स बट्टे में है तो एक बटा लॉग एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स आएगा अगर कॉमन लिया अपन ने तो ये लॉग वाई बनेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा लॉग जेड। ऐसे ही इसमें कॉमन क्या ले लिया एक बटा लॉग वाई ले लिया, तो यहाँ पे लॉग एक्स यहाँ पे लॉग वाई आ जाएगा और यहाँ पे लॉग जेड आएगा, इसमें क्या कॉमन ले लिया लॉग जेड कॉमन ले लिया,
तो यहाँ से लोग एक्स आ जाएगा, ये लोग एक्स और ये लोग वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोग जड आ गया। ठीक है, तो लोग एक्स लोग वाई। अब दोबारा इसमें देखें, ये अपना क्या बन गया, पहला स्तंभ, और पहले स्तंभ में कॉमन क्या आ रहे हैं, लोग एक्स। तो यहाँ पे एक की जगह क्या आ जाएगा, लोग एक्स आ जाएगा, इंटू दूसरे स्तंभ में क्या आ जाएगा, लोग वाई, और तीसरे स्तंभ में कॉमन क्या आ जाएगा, लोग जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा लोग एक्स इंटू लोग वाई इंटू लोग जेड, जिससे नीचे वाला हो जाएगा उसे कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा पूरे में, यहाँ पर भी एक आएगा और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, फिर एक एक एक, यानी एक एक एक। तो अपन जानते हैं कि किसी भी सारणिक में अगर दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ समान बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर तो तीनों ही बराबर हो रहे हैं, तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपना ए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर चार है, ये सारणिक दे रखा है, वो बराबर जीरो दे रखा है, तो एक्स का मान इसमें पूछ रखा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये जो सारणिक है इसमें एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी लिख रखा है, यानी स्तंभ के साथ में कुछ ऐड कर रखा है। तो एक्स को अलग लिख लेंगे, एक्स एक्स ए स्क्वेयर ए की घात तीन, एक्स बी स्क्वेयर बी की घात तीन, और आगे ये जो प्लस वाला है तो प्लस आ जाएगा, दूसरी सारणिक भी इसकी बन जाएगी, तो ए बी सी आगे वाले सेम के सेम अभी आ जाएंगे, और बराबर में इसके क्या है, जीरो है। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। अब देखो इसमें तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाला जो है, ये जो है इसमें एक एक्स कॉमन आ गया, एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक 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 बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और ये सेम का सेम प्लस। ठीक है, अब पहले जो पंक्ति है उसमें ए कॉमन आ रहा है, दूसरे में बी कॉमन आ रहा है, और तीसरे में सी कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी कॉमन आ गया कॉल में लागे, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, यानी ए कॉमन आ गया, तो आई एक आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वेयर में से ए बच गया, एक क्यूब में से ए स्क्वेयर, ऐसे यहाँ पे एक बी बी स्क्वेयर, एक सी सी स्क्वेयर, और बराबर में कितना यहाँ पे, जीरो है। ठीक है, अब अपन ने पहले कुछ विशिष्ट सारणिकों का मान निकालना सीख चुके हैं, जो कि आपको एक फॉर्मूले की तरह याद रखने थे, तो उनमें ये जो मान है इनका, इनका मान क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं पीछे से, तो इनका मान क्या हो जाएगा, x का x आ जाएगा। अब ये जो सारणिक है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस a, और इंटू में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ये सारणिकों के मान पहले अपन ने देख लिए हैं। प्लस में क्या आएगा, ए बी सी, और इसका भी मान क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस ए, और बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ गया, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, और c माइनस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x के साथ में क्या बच गया, x इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और प्लस में आगे क्या बच गया, ए बी सी, और बराबर में क्या है, जीरो। ये वाला जो है जो इधर जीरो में जाएगा तो बट्टे जीरो आएगा, तो ये जीरो बन गया, तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में, एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और प्लस में क्या बच गया, ए बी सी। ये प्लस का ए बी सी है, जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी सी, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस ए बी सी, बट्टे में ये जो एक्स के साथ में, इधर ये एक्स में साथ में है, तो माइनस ए बी सी की तरफ जाएगा तो इधर गुणा में, एक्स के साथ में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो माइनस ए बी सी बट्टे में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये अपना इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर पाँच है कि यदि एक्स वाई जेड एस मान हो तथा ये अपने को दे रखी है सारणिक बराबर जीरो दे रखा, तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रखा है। तो अब अगर प्लस लगा के लिख रखा है तो अपन दो प्रकार से सारणिक को लिख सकते हैं, तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस ये प्लस क्या, तो प्लस आ गया, बीच में आगे क्या था, ये पद, तो ये पद आ जाएंगे, एक्स घात तीन, वाई घात तीन, और जेड घात तीन, पहले वाले अब ये क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे। अब इसको सरल कर लेते हैं, कॉमन आ जाएगा तो कुछ कॉमन ले लेंगे इसमें, तो देखो एक्स ये पहली जो सारणिक है वो तो सेम की सेम आ गई, दूसरे में क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे ये जो पहला जो है पंक्ति उसमें एक्स कॉमन आ जाएगा, दूसरे में वाई आ जाएगा, और तीसरी पंक्ति में जेड कॉमन आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड कॉमन हो गया तीनों का, तो यहाँ से एक बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बचेगा, तो ये एक एक्स एक्स स्क्वेयर, इसी प्रकार से एक वाई वाई स्क्वेयर, और इसी प्रकार से एक जेड और जेड स्क्वेयर हो गया। अब इस सारणी का मान अपन निकालना सीख चुके हैं पीछे, तो इसका मान कितना होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसका भी मान निकालना सीख चुके हैं, यानी ये दोनों सेम ही है वैसे, तो इन दोनों का मान एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और बराबर में इसके क्या चल रहे हैं, यहाँ से जीरो चल रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में, कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो बचेगा एक, और इधर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, ये इधर जाएगा जीरो की तरफ तो जीरो बन जाएगा, यानी भाग में जाएगा, इधर गुणा में इन ब्रैकेट के, तो इधर जीरो बन जाएगा, और फिर इधर क्या बचेगा, एक प्लस एक्स वाई जेड, बराबर में क्या रहेगा, जीरो। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना, तो एक इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर छः है,
ये सारणिक दे रखी है, एक बटा ए बी सी ए स्क्वेयर, एक बटा बी सी ए, जो भी बराबर इसका मान अपने को पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसमें एक बटा ए बी सी और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वेयर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास में, अगर अपन ए से गुणा करें और ए से इसमें भाग दें, या फिर एक बटा ए कॉमन ले लें। ठीक है, तो एक बटा ए अपन ने इसमें क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एक बटा ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए एक बचेगा। अब एक बटा ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए बी सी बन जाएगा, और यहाँ पे ए की घात कितनी बन जाएगी, तीन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक बटा बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे बी की घात तीन। ऐसे यहाँ पे एक बटा सी लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की घात तीन आ जाएगा। अब दोबारा कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी सी आ जाएगा, तो ए बी सी बट्टा ए बी सी होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी यहाँ पे ए बी सी कॉमन आएगा ये वाला, तो ए बी सी बट्टे ए बी सी, तो ये तो एक हो जाएगा, और ये एक, ये भी एक, और ये भी एक। तो किसी भी सारणी की अगर दो पंक्तियाँ बराबर हो जाती हैं, दो स्तंभ बराबर हो जाते हैं, तो उसका मान कितना हो जाता है, जीरो। तो इस सारणी का मान भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणी का मान है। यह सारणी दे रखी है ओमेगा के रूप में, अपने सहमिश्र संख्या में पढ़ चुके हैं ओमेगा का, कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, जीरो होता है। तो अब अपने को वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये पहला कॉलम है सी वन, ये दूसरा सी टू, और ये सी थ्री है। तो सी वन के अंदर सी टू और सी थ्री को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो सी वन सी टू सी थ्री को प्लस करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या है, वन है, तो पहला कॉलम बन जाएगा वन प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा में ये प्लस करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, तो ये भी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही तीसरी जो पंक्ति है उसमें वन प्लस ओमेगा है, इधर इसमें ऐड होगा तो ये भी वन प्लस ओमेगा प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है उसका मान कितना होता है, जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इधर वाला भी क्या आ जाएगा, जीरो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि अगर किसी भी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ जीरो हो जाता है तो उस सारणी का मान भी कितना हो जाता है, जीरो। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, अपने गणित की सारणिक का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि BSF RO और RM का जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल सके। धन्यवाद।